मित्रों, हमेशा युवा चाहता है कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। युवा के पास एनर्जी भी है, ऊर्जा भी है, ताकत भी है, लेकिन अगर ताकत के साथ सही सूझबूझ आ जाए तो वो जीवन में जो चाहेगा, जैसे चाहेगा, अपने बूते वो प्राप्त कर सकता है। आज युवा चाहता तो है कि उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें, लेकिन थोड़ी दिन के मेहनत के बाद उसे हताशा और निराशा हाथ लगती है। क्या हम ये कर पाएंगे? क्या हमसे ये हो पाएगा? क्या हम ये करने में सक्षम हैं? आप बिल्कुल हैं। आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव कहते थे, बेटे, आधी दूरी तय करने के बाद निराश होकर अगर तुम लौटने लगते हो तो फिर तुम्हें आधी दूरी तय करनी पड़ती है लौटने के लिए। आप मैट्रिक इंटर पास करके ग्रेजुएट हो गए, कुछ लोग ग्रेजुएशन में होंगे, कुछ लोग इंटर पास किए हैं, कुछ लोग मैट्रिक पास करके इंटर में चले गए हैं। अब आप अगर पीछे लौटते हैं तो आप सोचिए ना, एक लंबा टाइम ऑफ पीरियड, 12 साल 14 साल आपका जाएगा। आप आगे बढ़ के पीछे मुड़िएगा, आपको मिलेगा क्या? दूरी तो उतना ही आपने तय किया, लेकिन रिजल्टेंट आपका जीरो हो गया। डिस्टेंस तय हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो हो गया। उसी बात को गुरुदेव कहते हैं कि उसी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अगर अपने आप को आगे बढ़ाते हो, अपलिफ्ट करते हो, तुम्हें सफलता मिलती चली जाएगी, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। आप ये सोचो ना, 12 साल 14 साल हमने कठिन परिश्रम किया है, मेहनत किया है लगातार, अब तो 4 साल में मेहनत करना है, 4 साल में मिल जाएगी सफलता, ये कोई नहीं सोचता है। ये सोचता है कितना दिन तैयारी करना होगा, बताओ। फिर पीओ बैंक का आएगा, आरआरबी वाला एग्जाम चल रहा है, सीजीएल का रिजल्ट आ गया, नंबर दे दिया, इस बार 110 गया है, कट ऑफ पिछला बार का 120 था, इस बार तो 10 नंबर से हम छूट रहे हैं। ये सब सोचने की बजाय अगर आप सोचते हो, इसका बास कम करिए, तो ये सब सोचने की बजाय अगर आप सोचते हो कि हम अपने आप को इतना दूर तक लाए कि 120 नंबर कट ऑफ है तो 110 नंबर तक हमारा आ रहा है, अगला बार प्रयास करके अगर इसमें 30 नंबर और जोड़ लेते हैं तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव थॉट आज के युवाओं के अंदर, ऐसे पॉजिटिव थॉट का अभाव है। टेंशन में जीता है, डिप्रेशन में जीता है, तनाव में जीता है, और इस तनाव का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे मित्र की संगति। हम अपने ग्रुप में जो मित्रता पाले हुए हैं, जो मित्र बनाए हुए हैं, और कुछ हमें नहीं देता है। क्या हमें सही राह चलना सिखाता है? नहीं सिखाता है। क्या हमको सुबह में जगना सिखाता है? नहीं सिखाता है। क्या हमको तेजी से पढ़ना सिखाता है? नहीं सिखाता है। तो वो क्या सिखाता है? हमारे मनोबल को कमजोर कर देना। खूब तैयारी में लगिएगा, 10 दिन पढ़िएगा, आएगा, धीरे से रूम में बैठेगा, हाँ, बहुत सारे लोग तुम्हारे जैसे तैयारी कर रहे हैं, लॉज ऐसे ही भरा है। अब देखिए, आया, धीरे से पिन मार दिया कि तुम्हारे जैसा बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोग तैयारी किए, तुम्हारा क्या होगा? देखो लॉज भरल है, मतलब 10 साल पहले से तैयारी करे वाला के नहीं हुआ, तुम्हारा तो अभी 2 साल हुआ, मतलब 8 साल और दाल भात खाते रहो। ये तरीका है आज का यंगस्टर, और आप भी अडॉप्ट करते हो, आप भी एक्सेप्ट करते हो। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप हर रविवार को आते हो, यहाँ पूरी चार्ज की जाती है, आपको लगता है कि हम लोग चार्ज करते हैं, हमारे पास तो अपने आप चार्ज करने की कुछ नहीं है, हम लोग तो अपने चार्ज होने के लिए जाते हैं गुरु के धाम में, गुरु की गोद में ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कौन करता है? परम पूज्य गुरुदेव करते हैं, वंदनीय माता जी करती है, माँ गायत्री करती है। यहाँ आपको बुलाया क्यों जाता है? आपको कॉलर पकड़ के खींचा जाता है, बुलाया नहीं जाता है। इतना गर्मी में आकर आप बैठोगे? नहीं बैठोगे। आपके अंदर जो संस्कारों का छोटा सा बीज है वो आपको खींचता है, और इसलिए खींचा जाता है कि यहाँ अगर लगातार आप आते रहोगे, उस बीज को सींच सींच के पौधा बनाया जाएगा, और जिस दिन पौधा बन गया, मुझे नहीं पता कि वो फलदार होगा कि नहीं होगा, अगर फलदार नहीं भी हुआ तो छायादार जरूर होगा, छाया जरूर देगा। कई सारे लोग सोचते हैं खाली फल वाला वृक्ष चाहिए, फल वाला, सब फल वाला हो जाए तो छाया कौन देगा, फर्नीचर कौन देगा?
तो कहीं ना कहीं आपकी उपयोगिता साबित होगी और समाज में आप बढ़ते चले जाइएगा, राष्ट्र में आप बढ़ते चले जाइएगा। आपको आश्चर्य होगा, हम वही हैं जो लॉज में टाइम पास करते हैं आज इतना बड़ा अधिकारी बन गए, हम वही हैं जो हमारे अंदर पढ़ने की क्षमता नहीं थी, 8 घंटा नहीं पढ़ सकते थे, उसके बावजूद हमें सफलता मिल रही है। कई बार मनुष्य को लगता है कि असंभव चीज है, नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं बेटे इस दुनिया में वो सब कुछ कर सकते हो जो आज तक तुमने नहीं किया, और वो सब सोच तक सकते हो जो आज तक तुमने नहीं सोचा। सोच कर देखो और जब सोचोगे तो करोगे। आज तक हमारे परिवार में कोई IAS नहीं बना, इस सोच के आप पढ़ना छोड़ दो, कोई नहीं बना था हम काहे बनेंगे। कई बार ऐसे होता है, चलो ना बहुत बड़ा पद है हमारे पास, मास्टर बन के हम रहेंगे, हम टीचर बन गए, हम IAS नहीं बनेंगे, हम TET में रहेंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। हम अपनी क्षमताओं को सीमित कर लेते हैं। मनुष्य के पास असीम क्षमताएं हैं और उस क्षमताओं को गेन करने के लिए अगर मनुष्य ध्यान का सहारा लेता है तो वो दुनिया में जो चाहेगा जैसे चाहेगा अपने बूते वो प्राप्त कर लेता है। कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि इसमें हमारा हो जाता तो बेहतर था। मनुष्य मानवीय सोच, हमारा एयरफोर्स में हो जाता, आर्मी में हो जाता, नेवी में हो जाता, TET में हो जाता, ABCDJDCS में हो जाता, हमारा बेहतर था, नहीं हुआ, हताश हो जाता है, भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया, इसमें हम सोचे थे हमारा नहीं हुआ। हमेशा आप याद करो, गए थे हम लोग इस बार श्रद्धे का क्लास चल रहा था ध्यान में, उन्होंने एक लाइन कहा, नॉक द डोर एंड ओपन द गेट, नॉक द डोर, दरवाजे को खटखटाओ अपने आप ओपन द गेट, गेट खुलेगा अपने आप खुलेगा, तो अपने आप को खटखटाओ ना। हम किस लिए पैदा हुए हैं, क्या हमारे अंदर क्षमता है कि नहीं? आपके अंतरात्मा से आवाज आएगी, बेटे तेरे अंदर तो इतनी क्षमता है कि तू जो चाहेगा जैसे चाहेगा अपने बूते प्राप्त कर सकता है, तुम्हारे अंदर तो इतनी क्षमता है। हल्का बढ़ा कर छोड़ दीजिए ना, नहीं उस पर शोध कीजिए, पहले कर लिया कीजिए। तुम्हारे अंदर तो इतनी क्षमता है कि तू असंभव को भी संभव कर दोगे। तुम अपने आप को पहचानो। कई बार मनुष्य शीशा आईना के सामने खड़ा होता है, चेहरा देखता है और देख के सोचता है हम कौन है, निशांत रंजन, बस इतना ही सोचता है, हम निशांत रंजन ABCDZ। तुम परमात्मा के परम पुत्र हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तू असंभव को भी संभव कर दोगे। बचपन में याद करिए, पेड़ पर आम अगर एक पका हुआ दिख जाता था और अगल बगल ईंट पत्थर मिट्टी, हम लोगों का निशाना कितना सॉलिड होता था कि उस पत्थर से मार के तोड़ देते थे, तोड़ते थे कि नहीं तोड़ते थे, वो श्रद्धा का परिणाम था, वो मेहनत का परिणाम था कि हाथ से उठा के वहीं मारना है जहां वो पका हुआ है। एक बार मिस फायर होता था, दो बार होता था, तीसरा जाते जाते फायरिंग सही लगता था। आज हमारा जो एम है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो डाइवर्ट है। आए हैं बैंक की तैयारी करने, घुमा रहे हैं लड़की पटना में, आए हैं SSC की तैयारी करने, व्हाट्सएप चैटिंग पर लगे हुए हैं, आए हैं अपने कैरियर को बनाने, कैरियर से अधिक अपने जीवन में दुर्गुणों को पालकर और दूसरों की शिकायत में समय व्यतीत कर रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा है, आराम से रूम पर बैठो, 4 घो के बैठाओ, पटना में फलाने मास्टर का ई कमजोर है, उनका ऊ कमजोर है, शोध चलता है टीचरों पर लंबे समय तक, घंटों चलेगा, अरे पगला तू टीचर के बारे में जानता है, हम पढ़े हैं हम जानते हैं, क्या है उनका ही कमजोर है, उनका वो कमजोर है, उनका आपका हमारा सब मजबूत है, कोई कमजोर नहीं है, हमारा सब मजबूत है। लड़की के पीछे घूमने के लिए कहो कई दिन घूमेंगे, मजबूत है तब ना घूमते हैं, है ही मत कोई घूम के देखा है। सोने के लिए कहो आज संडे है जाके देखो लॉज में, जब लौट के जाओगे यहाँ 11 बजे से तब देखोगे इतना गर्मी में चद्दर तान के सोया होगा। जैसे जाके कहोगे अभी तक सोए हो, धीरे से मुंह उठा के कहेगा आ गया बाबा बन के, अपने सोया है, तुम जैसे पहुंचोगे तुमको तुरंत मारेगा वायरस, आ गया बाबा बन के, तोरा ले तो बढ़िया हम किस सो के शरीर बना लिए हैं, आज हम हाई ले रहा है, भगवान करे तो सुतना बन जाए, तो सुतल रहा आराम से। मेरे मित्र, जब मनुष्य ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करता है, तो सबसे पहला काम होता है कि उसकी बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है,
उसके कदम सन्मार्ग के तरफ चलते हैं, वो भटकाव से बचता है। अब दो तरह की बुद्धि होती है, एक सन्मार्ग पर चलने वाली सद्बुद्धि और दूसरा कुमार्ग पर चलने वाली दुर्बुद्धि। जब जब सद्बुद्धि कदम बढ़ाएगी, आपके अंदर से ही दुर्बुद्धि आपको पीछे खींचने का प्रयास करेगा। कई बार आपका मन होगा उठ के पढ़ते, दूसरा मन कहेगा हट अभी कहला पढ़ोगे, पांच मिनट दोस्त से बात कर लो। जो ध्यान करता है उसकी सद्बुद्धि दुर्बुद्धि पर डोमिनेंट होकर उसे सत्कर्म करवाती है, जो ध्यान नहीं करता है उसकी दुर्बुद्धि उसके सद्बुद्धि को काट के और कुमार्ग के तरफ ले जाता है। दोनों, हर मनुष्य के पास दोनों बुद्धि होती है। आप पता करना, जब भी कोई गलत काम करते हो आपके अंदर का इंस्टीट्यूशन कहता है रुक जाओ, ये गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो ना ध्यान करते हो ना मेडिटेशन करते हो कि कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांडीय शक्ति पावर आपके पास रहे कि उस पर चला दे। आप एज यूजुअल हो, सुनते तो हो कि वो कह रहा है नहीं करना चाहिए, लेकिन जो दुर्बुद्धि होती है अंदर से मारती है हथौड़ा, कहती है आज भर कर लो क्या दिक्कत है। और आपके अंदर वो जो पावर नहीं है उसके कारण आप गलत काम करते हो, वो चाहे टाइम पास करना हो, समय को व्यतीत करना हो, लड़कियों पर कमेंट्स करना हो, ABCDZ, अपनी जिंदगी का आप ग्राफ नाप के देखना कि आप क्या क्या गलत कर लेते हो। और यही जो ध्यान करता है वो इमीडिएट करता है, अरे ध्यान करते हैं इतना कमजोर मानसिकता थोड़े है हम अपने आप को डाइवर्ट कर ले, हम इसके लिए थोड़े आए हैं, अभी कुछ नहीं सुनना है, बस अंतरात्मा की आवाज अगर कहा है गलत है तो इसे नहीं करेंगे। ये पावर ऑफ एनर्जी है, ये पावर ऑफ सोर्स है जो सूर्य से मिलता है, जो आपके 20 मिनट के ध्यान से मिलता है। आज की युवा पीढ़ी के अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, उस ऊर्जा का रूपांतरण करना है, और उस ऊर्जा का रूपांतरण अगर सकारात्मक दिशा में हुआ, इसमें बहुत सारे APJ अब्दुल कलाम निकलेंगे, इसमें से बहुत सारे विवेकानंद निकलेंगे, इसमें से बहुत सारे महर्षि अरविंदो बन के निकलेंगे, तो इसमें से बहुत सारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू और धीरू भाई अंबानी बनकर भी निकलेंगे।